नमस्कार, आप देख रहे राष्ट्र समाचार। सौंदर्य उद्योग में अग्रणी नाम डिवाइन ग्रुप ने अपने आगामी राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 के लिए कुफरी हॉलीडे रिसोर्ट के साथ विशेष साझेदारी की घोषणा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। कुफरी हॉलीडे रिसोर्ट हिमाचल प्रदेश के कुफरी के शांत परिदृश्य के बीच स्थित एक शानदार 7 सितारा संपत्ति है। मिस डिवाइन ब्यूटी की विजेता मिस अर्थ और मिस इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। डिवाइन ग्रुप और कुफरी हॉलीडे रिसोर्ट के बीच यह सहयोग मेहमानों को सुंदरता, विश्राम और समृद्धि का एक असाधारण मिश्रण प्रदान करने का वादा करता है। जैसे ही दो प्रतिष्ठित संस्थाएं एक साथ आती, उनका लक्ष्य सौंदर्य अतिथि की अवधारणा को फिर से परिभाषित करना और अतिथि अनुभव को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। मौजूदा मिस अर्थ और मिस इंटरनेशनल सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल 16 अगस्त से 26 अगस्त तक इस कार्यक्रम का दौरा करेंगे। मिस डिवाइन ब्यूटी एक प्रमुख प्रतियोगिता है जिसके पास दुनिया के कुल 4 प्रमुख सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से 2 में भारत के प्रतिनिधि को चुनने और भेजने का विशेष अधिकार है। आयोजन का भागीदार रिसाल पोलो क्लब है। डिवाइन ग्रुप के संस्थापक और CEO दीपक अग्रवाल ने कहा, हम कुफरी हॉलीडे रिसोर्ट के साथ अपनी विशेष साझेदारी की घोषणा करते हुए रोमांचित हैं, जो एक शानदार स्वर्ग है जो डिवाइन ब्यूटी के सार को पूरी तरह से पूरक करता है। यह सहयोग हमारे मेहमानों को एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, जहाँ सौंदर्य और विलासिता सामंजस्यपूर्ण रूप से अंतर्हित है। Miss Earth and Miss India competition, and I am providing the hospitality all the delegates, all these girls for 3-4 days at Kufri Holders or Kufri Shimla, and I think this will go a big way in promoting the tourism of Himachal Pradesh, and it will go worldwide. So I think this is a very good platform when we would like to expose our place, our state, our hospitality in the world. That is the main thing, and that is the program which is coming up. And the rest, you know, Deepak Agarwal is the main person who is organizing this. ऐसा है कि हम बहुत ही अच्छी और खूबसूरत जगह में रहते हैं, और हम चाहेंगे कि आप आइए, हम आपको इनवाइट करते हैं, बिकॉज वहां पर आपको इतना बढ़िया व्यू मिलेगा बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर पीर पंजाब ऑफ जम्मू कश्मीर। हम दीपक अग्रवाल, फाउंडर ऑफ डिवाइन ग्रुप फाउंडेशन। सो डिवाइन ब्यूटी के बारे में बता देता हूँ। मिस डिवाइन ब्यूटी ये नेशनल पेजेंट है इंडिया का, जिसमें की वर्ल्ड के जो बिगेस्ट पेजेंट्स है मिस अर्थ एंड मिस इंटरनेशनल, उनका इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डिवाइन ग्रुप करता है, जिसका प्रोग्राम का नाम है मिस डिवाइन ब्यूटी। और इस बार हमारे जो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है कुफरी हॉलीडे रिसोर्ट है, और इवेंट पार्टनर रिसाला पोलो, जिसके कर्नल अजय अलावत जी वो है ओनर है। सर, इस इवेंट में लगभग कितनी लड़कियां भाग लेंगी और 30 क्राइटेरिया क्या होगा? 18 से 28। कोई लड़की अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकती है? वो डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करती है, और उसके बाद फिर उसका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के थ्रू होता है। पहले उसको थोड़े से टारगेट दिए जाते हैं कि आपको सोशल वर्क से रिलेटेड पहले का अगर कुछ किया है तो बताइए, अपलोड कीजिए, नहीं तो हमारा जो प्रोग्राम है इससे रिलेटेड यू नीड टू स्पीक। आप यूट्यूब पे डालेंगे, उस पे डालेंगे, इस पे डालेंगे, मतलब सभी प्लेटफॉर्म से डालेंगे, अपने घर परिवार कॉलेज सब में अवेयरनेस फैलाएंगे। तो जो जितना हमें अच्छा लगता है, मतलब जो बोलने में सही है, जो बाहर रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उनको धीरे धीरे सिलेक्ट करते हैं, फिर टॉप 100 तक पहुंचती हैं लड़कियां। अच्छा, जिन जिनको हम नहीं चूज कर पाए, कम से कम उनको प्लेटफॉर्म तो मिला, कम से कम बोल पाई, और सारे पेजेंट पेजेस ने उनको सराहा, ये सब बात हुई, उसके बाद में फिर वो टॉप 100 से ऐसे सिलेक्शन होता जाता है। तो कोई भी लड़की जो भारत में का नागरिक है, OCI पासपोर्ट होल्डर है, OCI है, तो क्योंकि इंडिया रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। और बाकी हाइट क्राइटेरिया भी होता है, हम इंडिया की तरफ से हम नहीं जाते, बट उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना है तो एक हाइट क्राइटेरिया है जिसको मैं पर्सनली चाहता हूँ कम हो, पर हम ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो मिस अर्थ में जा रही है तो उनका हाइट क्राइटेरिया 5'4" से शुरू होता है। मैं वो कर्नल अजय अलावत, इंडियन आर्मी, 24 ईयर सर्विस, और अब हम बेसिकली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं एक बहुत अच्छे इस कॉज को, क्योंकि इस कॉज में हमने देखा है कि इट इज नॉट जस्ट अपलिफ्टिंग दीज यंग डॉटर्स ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो इसमें
बहुत ज्यादा ग्रोथ है और बहुत जो भी कॉज को हम टच कर रहे हैं वो सारे को बहुत ज्यादा इसमें मोमेंटम मिल रहा है। इसका इफेक्ट इतना ज्यादा हमने देखा कि पिछले साल जैसे हमने कामधेनु गायें को अडॉप्ट करके उसके ऊपर इन लड़कियों ने अपने सोशल मीडियाज और उसमें ये फैलाया और वो इतना ज्यादा फैला कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे चला गया और आज के दिन में दुबई से लेके सऊदी अरेबिया से लेके कोई भी आप अच्छा बड़ा नेशन मानिए हर जगह से उस गाय की डिमांड है, उस गाय को लोग रखना चाहते हैं, उसका दूध पीना चाहते हैं, जो कि एक 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 लुप्त हो चुकी थी एक ब्रीड, वो अब वापस से इंडिया में आ गई है। इसी तरीके से इन लड़कियों ने पिछली बार मिलेट्स के ऊपर बहुत बोला, बहुत काम किया, तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है। वी आर वेरी हैप्पी डूइंग कोलैबोरेशन विद द कुफरी रिसॉर्ट एंड आई एम श्योर दिस इज अ बेस्ट कोलैबोरेशन लाइक ब्यूटी एंड लग्जरी। सो बेसिकली जो हम लोग का इवेंट स्टार्ट होगा दैट विल बी फ्रॉम 16th to 26th और उस पर लड़कियां जब आएंगी तो वो लोग दे विल कम टू चंडीगढ़, उस वहां से फिर हम लोग बाय रोड उनको कुफरी रिजॉर्ट लेकर के जाएंगे और वहां पर फिर उनकी डे टू डे एक्टिविटीज देन कुफरी रिजॉर्ट पूरा जो टूर है वो होगा, फिर डे टू डे जो उनकी एक्टिविटीज हैं वो सारे हम लोग वहां पर प्लान कर रहे हैं, वो सारी वहां पर स्टार्ट कर हो जाएंगे। आप इस इवेंट में क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मेरी जिम्मेदारी पूरी है लाइक गर्ल्स का सारा कोऑर्डिनेशन, उनकी एक्टिविटीज प्लान करना, उनकी एक्टिविटीज को वाइंड अप कराना, वो सारी जिम्मेदारी मेरी ही होती है लाइक फ्रॉम डे वन टू एंड ऑफ द डे। तो ये सारी जिम्मेदारी, सिलेक्शन प्रोसेस जो मेन होता है वो हम लोग के ही होता है।